हाय फ्रेंड्स, आप सबका कोंकण के पाशुपुरम तीर्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम विजिट करने वाले इस कोंकण के पाशुपुरम तीर्थ को, जो कि बहुत ही बड़ा जैन मंदिर होने के साथ साथ ही कोंकण का अपकमिंग ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। दोस्तों, तो ये टूरिस्ट प्लेस बेसिकली महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मानगांव तालुका में अलसुंडे गाँव के बहुत ही नियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गोरेगांव बस डिपो से गोवेली के लिए बस पकड़नी पड़ेगी, वो बस आपको इस मंदिर तक पहुंचा देगी। तो दोस्तों, अगर आप इस जैन टेंपल में विजिट करते हो तो आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, वो हर एक चीज़ मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ इस व्लॉग में एट द एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, ये एक जैन मंदिर होने के कारण यहाँ एक बहुत ही बड़ा जिनालय बना हुआ है। वही इसी जिनालय के नीचे ये रंग मंडप आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी रंग मंडप में एक मुख्य मूर्ति आपको सामने दिखाई दे रही होगी। तो इस ध्यान मुद्रा में दिखने वाले सुंदर मूर्ति के अलावा इस रंग मंडप में दोस्तों और भी ऐसी अन्य देवी देवता आपको यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ टोटल 108 ऐसे भगवान की मूर्तियाँ हैं जो इस रंग मंडप में विराजमान है। रंग मंडप में विराजमान इन मूर्तियों के साथ साथ ये जो रंग मंडप बना है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस रंग मंडप का कंस्ट्रक्शन काम हुआ है। इसका जो नक्शे काम है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसी रंग मंडप में इन सुंदर मूर्तियों के साथ साथ ही यहाँ एक ऐसी भवमती बनाई गई है जहाँ आपको सहस्रकूट देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलेंगे। इसी भवमती में 1024 देवता विराजमान हैं जिनके छोटे छोटे रूप आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पाशुपुरम तीर्थ को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है। अपकमिंग दिनों में ये पाशुपुरम तीर्थ पूरी तरीके से आपको बना हुआ दिखाई देगा। अगर इसके बाहर के एरिया की बात की जाए तो इसके बाहर के एरिया में भी ऐसा बहुत कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो समाज उपयोगी है, जिसमें यहाँ आपको धर्मशाला दिखाई देगी, साधुओं के लिए रहने के लिए जगह, उनके लिए अलग अलग रूम्स ध्यान करने के लिए बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ एक भोजनालय का निर्माण भी हुआ है। यहाँ आपको जिम गार्डन भी दिखाई देगा जहाँ आप आपका टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पाशुपुरम तीर्थ को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने कोंकण एरिया को टूर करने का प्लान किया है तो इस कोंकण के इस पाशुपुरम तीर्थ को विजिट करना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे सुंदर पाशुपुरम तीर्थ को विजिट करने के बाद अगर आपको और भी इच्छा है कि टेंपल में विजिट करने के लिए, तो यहाँ से नियरेस्ट नवशी गांव है, वहाँ को भगवान शिव जी को समर्पित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन आप कर सकते हो। एट द एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय हिंद।